नमस्कार। अगर आप भी डांस करते हुए स्टेप भूल जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे कि डांस करते हुए स्टेप्स कैसे याद रखें। इसमें हम आपको स्टेप्स के नाम बताएंगे, जिसमें से हम पूरी बॉडी पार्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हाथ, पैर और सिर। तो आज हम सीखेंगे हाथों के स्टेप के नाम, जिससे आपको स्टेप्स याद रखने में आसानी रहेगी और आप स्टेप्स को आसानी से लिख भी पाएंगे। जो भी स्टेप होगा आप उसको आसानी से लिख पाएंगे, तो इससे आपको डांस करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हाथों के स्टेप में पताका, पताका, पताका। देखिए कैसे हाथ ऐसे सीधे, सारी उंगलियां मिली हुई, अंगूठा उसके साथ ऐसे, इसको बोलते हैं पताका। इससे बहुत सारे स्टेप्स बनते हैं, ऐसे करके जब हम करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, ये बहुत सारे स्टेप्स पताका से बनते हैं। तो इस हाथ के साथ जो भी आप स्टेप्स करेंगे उसको बोलेंगे पताका। तो जब भी आप स्टेप्स याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा कि आपने पताका वाला स्टेप किया था। इसके बाद देखिए अर्ध पताका, पताका में दो उंगलियां नीचे की तरफ कर लेंगे। देखिए कौन सी उंगलियां नीचे की तरफ कर लेंगे और दो को उठाकर रखेंगे, यह है अर्ध पताका। इसमें काफी सारे स्टेप्स बनते हैं, जो स्टेप्स अर्ध पताका से बनते हैं वो स्टेप्स आप लिख सकते हैं। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो अर्ध पताका से बनने वाले स्टेप्स को आप अलग से लिखेंगे, पताका वाले स्टेप्स को आप अलग से लिखेंगे। हमने सीखा पताका और अर्ध पताका। अब देखिए सूची, हाथ सीधा पताका, इसमें सारी उंगलियां बंद करके सिर्फ एक उंगली को सीधा रखेंगे, यह है सूची। सूची पहले पताका, फिर अर्ध पताका, फिर सूची। इससे बहुत सारे स्टेप बनते हैं, सामने, साइड में, इस साइड में, ऊपर, ऊपर, नीचे, बहुत सारे स्टेप सूची से बनते हैं। तीन बताए, पताका, अर्ध पताका और सूची। इसके बाद देखिए अर्धचंद्र, अर्धचंद्र हाथ ऐसे, पताका में अंगूठे को खोल देंगे ऐसे, तो ये बन गया अर्धचंद्र। जब हम कमर पे हाथ रखते हैं ऐसे तो इसी मुद्रा में रखते हैं, अर्धचंद्र की मुद्रा में। कई बार हम ऐसे स्टेप्स करते हैं, फेस दिखाना होता है, ऐसे करना होता है या फिर ऐसे करना होता है, ये अर्धचंद्र के साथ बनता है। पहले पताका, अर्ध पताका, सूची और अर्धचंद्र। अब इस अर्धचंद्र में तीन फिंगर्स को मोड़ लेंगे तो बन जाएगा चंद्रकला। इसमें स्माइल, कई बार हम फोटो खिंचवाते हैं तो उसमें ये वाला पोज ऐसे करके बना लेते हैं, ये है चंद्रकला। पताका, अर्ध पताका, सूची, अर्धचंद्र और चंद्रकला, इस मुद्रा को बोलेंगे चंद्रकला। इसके बाद देखिए अगर हम ऐसे मुट्ठी को बंद करके सीधा अंगूठा रखेंगे, इसको बोलेंगे शिखर मुद्रा, शिखर मुद्रा। कई फोक सॉन्ग्स में हम ऐसे करते हैं, ये शिखर मुद्रा है। वेस्टर्न में ऐसे करते हैं, ये शिखर मुद्रा है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसमें, कमर पे हाथ रख के भी करते हैं, शिखर मुद्रा, शिखर। देखिए पहले पताका, अर्ध पताका, सूची, अर्धचंद्र, चंद्रकला और शिखर। अब इसी में देखिए व्याघ्र, व्याघ्र मींस हाथ ऐसे करके बीच वाली दो फिंगर को मोड़ लेंगे ऐसे, ये वाला स्टेप, यो, इसको बोलते हैं व्याघ्र, व्याघ्र। ये है खुला व्याघ्र और ये बंद, ऐसे ही बनती है व्याघ्र और ऐसे ही बनती है। मोस्टली ये ज्यादा यूज होती है इसलिए हम इसी को बोलेंगे व्याघ्र। शुरू से देखिए पताका, अर्ध पताका, सूची, अर्धचंद्र, चंद्रकला, शिखर और व्याघ्र। इसी में देखिए जब हम स्टेप्स करते हैं मुट्ठी को बंद करके, मुट्ठी बंद, अंगूठा रखेंगे फिंगर्स के ऊपर, देखिए ऐसे मुट्ठी बंद, अंगूठा फिंगर्स के ऊपर, इसमें हम बहुत सारे स्टेप्स करते हैं, ये वाले स्टेप्स, ये वाले स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स, ये वाले स्टेप्स, ये वाले स्टेप्स। ये है मुष्टिका, मुष्टिका। जब हम ये वाला स्टेप करेंगे तो इसको बोलेंगे मुष्टिका। तो जब आप स्टेप्स लिखेंगे तो इन सारे स्टेप्स के नाम के साथ आप लिखेंगे तो आपको आसानी रहेगी स्टेप्स सीखने में, स्टेप्स करने में, स्टेप्स याद रखने में। इसके बाद देखिए शंख, शंख में मुष्टिका में ही, मुष्टिका में हमने अंगूठा इधर रखा था, शंख में साइड में रखेंगे, देखिए ऐसे फिंगर्स की साइड में रखेंगे तो ये बन जाएगा शंख। जब हम जंप वाले स्टेप करते हैं, जब बच्चों वाले स्टेप करते हैं जंप वाले,
उसमें इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं, शंख या शिखर, दो मुद्रा का प्रयोग होता है उसमें। मुष्टि का मुद्रा नहीं चलेगी, वो अच्छा नहीं लगता, शंख की मुद्रा अच्छी लगेगी। तो ये सारे स्टेप्स आप लिखेंगे, याद करेंगे, या आपको पता होगा कि स्टेप्स करने कैसे हैं, प्रॉपर तरीका क्या है, तो आपके डांस में और शार्पनेस आएगी और आपका डांस और अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा हाथों से बनने वाले स्टेप्स के नाम, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पैरों से कैसे स्टेप्स करते हैं और उनके नाम क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे सिर के स्टेप्स। ये हमारी सीरीज है जो तीन पार्ट्स में आएगी, पहले हमने हाथ के नाम सिखाए, उसके बाद पैरों के, उसके बाद सिर के नाम। इससे आपको पूरी सीरीज देखने के बाद आपको स्टेप अच्छे से याद होने लगेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कौन सा स्टेप कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप भूलते इसलिए हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं, और वो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो फिर याद नहीं रहता। जब आपको पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं तो स्टेप्स अच्छे से याद रहेंगे और आप उनको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि सही तरीके से करेंगे। तो ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें, और उसमें नोटिफिकेशन के लिए आपको ऑल सेलेक्ट करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें तो उसमें ऑल सेलेक्ट जरूर करें। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैरों के स्टेप्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।